दोस्तों, मिश्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आर्गन की वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ टिप्स देंगे जिससे आप आसानी से आर्गन की वेल्डिंग सीख सकते हैं। आर्गन की वेल्डिंग के लिए इसमें जो टंगस्टन प्रयोग होता है वह आर्क बनाने के लिए किया जाता है। यह देख रहे हैं आप, यह टंगस्टन है और इसका अगला सिरा जो है नुकीला बनाया गया है। इसको जो है हम लोग बाहर निकालते हैं। अब इसके लॉन्ग टेंशनिंग कप को हम खोल करके और टंगस्टन को जो है बाहर निकाल लेंगे। टंगस्टन हमारा बाहर निकल गया है और इसका अगला सिरा आप देख रहे हैं, यह नुकीला है। यह जो है अलग अलग डिग्री पर बनाया जाता है, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और कभी कभी यह 90 डिग्री पर भी बनाया जाता है। यदि टंगस्टन की डिग्री सही है तो आर्क की क्वालिटी जो होगी बहुत अच्छी होती है। अब हम इस टंगस्टन को इस टॉर्च में लगाएंगे। यह टॉर्च जो है वाटर कूल टॉर्च है और इसके लॉन्ग टेंशनिंग कप को खोल करके और टंगस्टन को नोजल के तरफ से लगाया जाता है। अब यह टंगस्टन जो है लग गया है। अब नोजल को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम और लॉन्ग टेंशनिंग जो कप है उसको भी अच्छी तरह से हम टाइट कर लेते हैं। यदि लॉन्ग टेंशनिंग कप सही से टाइट नहीं किया जाएगा तो टॉर्च ख़राब होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि नोजल से जो है टंगस्टन कितना बाहर निकलता है। टिग वेल्डिंग के टॉर्च को बहुत से जो है वेल्डर इसके केबल को गले से लटका लेते हैं, लेकिन इसको जो है हाथ में यदि आप लपेट लेते हैं तो यह सबसे अच्छा होता है कि जिससे इसका वज़न जो है केबल का कम हो जाता है और इस टॉर्च को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इस टॉर्च को चलाने का दो तरीका होता है, पहला होता है मूविंग और दूसरा होता है सपोर्टिंग। मूविंग में जो है यह टॉर्च जो है ऐसे घूमता है और सपोर्टिंग में जो है हाथ की एक उंगली लगा करके हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं जॉब से, जिससे जो है यह सपोर्टिंग हो जाता है। इस समय जो है टॉर्च जो है सपोर्ट में रहता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है फीलर का ज्ञान होना। फीलर जो है MS, SS, एल्युमिनियम इत्यादि के प्रयोग किए जाते हैं। यह फीलर जो है MS का है और यह फीलर जो है कॉपर कोटेड होता है। इसका जो है कोटिंग हम जो है सरेस पेपर से निकाल दिए हैं और यह फीलर जो है ER70S2 2.4 का फीलर है और इससे हम लोग आर्गन की वेल्डिंग करेंगे। यह फीलर 2.4 का है और जॉब का जो गैप है यह जो है 4 mm का है। आप देख सकते हैं कि इसका गैप जो है 4 mm का है। जब हम फीलर को गैप में लगाएंगे तो फीलर जो है अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि फीलर बहुत ही आसानी से अंदर चला जा रहा है। यदि जॉब का गैप जो है 4 mm है तो इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि किस प्रकार से फीलर को हम कंट्रोल करेंगे। आप यदि नए वेल्डर हैं या वेल्डिंग सीख रहे हैं तो इसके लिए फीलर को जो है हाथ से चलाना पड़ता है। तो इसको फीलर को हम किस प्रकार पकड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फीलर को जो है इस तरह से हम पकड़ते हैं और फीलर को आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे फीलर जो है आगे बढ़ता जाता है और टॉर्च को हम चलाते जाएंगे। यदि आप दोनों हाथ के वेल्डर हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से आपको फीलर चलाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फीलर किस प्रकार से हम पकड़े हुए हैं। इसी तरह से फीलर को पकड़ा जाता है और इसमें देख रहे हैं यहाँ एक टाका लगा हुआ है, यह आर्गन का टाका लगा है। इसमें आर्क का टाका नहीं लगेगा जो दोनों तरफ लगा हुआ है। आर्गन वेल्डिंग के लिए आर्गन का ही टाका लगेगा। अब वेल्डिंग करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीलर को नीचे रखेंगे। यहाँ फीलर को नीचे रखा जाता है और टंगस्टन जो है इसको जॉब से
थोड़ा सा स्पार्क करते हैं जिससे आर्क बन जाता है। इस तरह से हम स्पार्क करते हैं, स्पार्क करने के बाद आर्क बन जाता है। और यदि आपके मशीन में HF लगा है तो यहाँ एक बटन होता है जिसको दबाए रखने पर आर्क बनता है तथा गैस का भी कंट्रोलिंग हो जाता है। HF से गैस भी बर्बाद नहीं होता है और टंगस्टन भी ख़राब नहीं होता है। जब आर्क बन जाता है तो आपको हम दो तरीका बताएं। एक तरीका जो होता है मूविंग का होता है और दूसरा जो होता है सपोर्टिंग का होता है। इस समय जो है फीलर को ठीक टंगस्टन के नीचे रखा जाता है और आप जो भी चलाना चाहते हैं, यदि मूविंग चलाना चाहते हैं तो या सपोर्टिंग चलाना चाहते हैं तो टॉर्च को आप चला सकते हैं। जैसे हम मूविंग चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि टॉर्च हमारा कैसे जो है मूव कर रहा है। इस समय टंगस्टन से फीलर को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है चिपक जाएगा और फीलर जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहेंगे और टॉर्च को जो है मूविंग करते हुए हम आगे चले जाते हैं, जिससे जो है हमारा टिग वेल्डिंग हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है सपोर्टिंग टॉर्च का। इस समय हम मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और एक उंगुली को बाहर निकाल देते हैं जिससे कि सपोर्ट मिल जाता है। जॉब से हम सपोर्ट ले लेंगे और फीलर को ठीक नीचे रखेंगे और टॉर्च को आगे हम बढ़ाएंगे और हाफ चांद बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे और फीलर को चलाते रहेंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि नोज़ल जो है बिल्कुल ही जॉब से स्पर्श नहीं करेगा। यह बात आप पर निर्भर करता है कि आप सपोर्टिंग टॉर्च चलाएंगे या मूविंग टॉर्च चलाएंगे। हम आपको इस वीडियो में बताए थे कि वीडियो के लास्ट में जो है 4 mm यदि गैप है तो उसमें हम लोग फीलर कहाँ रखेंगे, यह बताए थे। तो इसके लिए हम लोग जो भी है उसके किनारे पर फीलर को रखते हैं और यदि फीलर फंस रहा है तो फीलर को राउंड में करते हुए और जो है फीलर को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात फीलर को राउंड में घुमाते हुए फीलर को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आर्गन की वेल्डिंग पूरी हो जाती है।